कुछ दिन पहले जस्टिन्रटेडी नाइन विद्स और ये पार्टी के दौरान एक बीअर चीज हुई जो भी ये पार्टी में आया था ना उनको जस्टिन ने दिया जिसमें कुछ लाइन एनग्रीव थे और वो लाइन था की आई एम सो थैंकफुल दैट आई डिड एंड एंड विद वॉट आई थॉट आई वॉन्टेड और ये सुविनियर का जब फोटोज इंटरनेट पे सर्कुलेट किया गया ना तब ये लाइन कई लोगों को अजीब लगी कि वाई विल जस्ट इन those दो लाइन दैट to के बोते के दिन अगर इतने स्पेशल डेप उसने किया है देन इट शुड मीन समथिंग एंड अगेन चीज़ को लोगों ने सेलिना गोमेज के साथ लिंक करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली अभी सेलिना एंड हेली दोनों के कॉन्ट्रोवर्सी में ना एवरी वन वॉज क्लीनली वेटिंग ऑन वॉट जस्टिनियर वॉज ऑल्सो लिंक विद गोइंग ड्रामा लोगों ने इस चीज पे कॉमेंट करना शुरू किया बाफ्टिंग पीपलियर शेडिंग इज एक्स ऑन इज ओन बोर्थ डे अक ओन वाइफ वॉज ड्रैक टू हेल्ड बैक फॉर ऑब्सर एंड शेडिंग सेलिना इज जस्ट अ न्यू लेवल ऑफ मिजरेबल लाइक एडमिटिंग सेकंड चॉइस ऑन योर बर्थ डे इज क्रेजी

एक इंटरव्यू में जस्टिन ने ये बोला भी था कि उसने अज्यूम किया था कि एक बार वो शादी कर लेगा तो कई इश्यूज उसके रिजोल्व होंगे बट वो ऐसा नहीं हुआ सॉन्ग में ना एक लाइन भी लिखा था और कई लोगों का यही मानना है की ये जो लाइन है वो जस्टिन को बोल रही है

एंड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जस्टिन के इंटरव्यूज में भी ही स्पोक इस बुक इसी वजह से अब ये सुविनियर का लाइन जब बाहर आया है तब लोग फिर से उसे सलीना के साथ लिंक करने लगे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट सलीमीज ने एक टिकटॉक के नीचे कॉमेंट भी किया था जहां पे शी सेड थैंक यू एंड लव यू ऑल सो मच आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू यू मेक मी हैपी

फिर एक ने लिखा क्रेजी ऑफ पीपल लव हर वेन ऑल शी डज इज अप ड्रामा फॉर फिर कुछ लोगों ने सेली को डिफेंड करते हुए ये का रिप्लाई देते हुए लिखा शी लिटरली सेट प्लीज बी काइंडर टू एवरी वन एंड थिंक ऑफ अदर पीपल्स मेंटल हेल्थ एज वेल वाई डू पीपल ऑलवेज लव ट्विस्टिंग थिंग्स वन शी इज जस्ट थैंकिंग अ स्टैंडिंग बाई हर फिर एक ने लिखा वेड इट शी से एनीथिंग अबाउट द बुलिंग एंड थैंकिंग एनी वन फॉर इट यू ऑल आर जस्ट मेकिंग स्टाफ अप लीव हर अलोन फिर एक पर्सन ने लिखा द दिकटॉक वॉज अबाउट पीपल सपोर्ट फॉर रेयर ब्यूटी पीपल नीड टू लर्न द ऑफ वेयर थिंग्स कम तो ये दियर में एक्चुअल देखने मिला ये जो कॉमेंट सेलिना ने किया था ना वो एक टिकटॉक के नीचे किया था जो रेयर ब्यूटी से रिलेटेड था जहाँ पे लोग रेयर ब्यूटी को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे तो वो कॉन्टेस्ट में शू वॉज थैंक एंड टू बी ऑनेस्ट ये पूरे कहीं ना कहीं पीपल आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन चाहे फिर वो सेलिना को कोई पोस्ट हो या हेली का या जस्टिन का क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्सी में इतने लोग इन्वॉल्व है तो इसी वजह से फॉर कमिंग फ्यू डेज ये लोग कुछ भी क्यों ना पोस्ट करें किसी ना किसी वे से लोग उसे ये कॉन्ट्रोवर्सी से लिंक करेंगे ही करेंगे चाहे फिर जस्टिन सेलिना या हेली का ऐसा कुछ इंटेंशन हो या ना हो हेली एंड जस्टिन की शादी को ना फोर इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं अभी फाइव इयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे स्टिल सम सम फैंस थिंक कि जस्टिन विल गो बैक टू सेलिना दैट इज रियली इनसेन एंड डिसरिस्पेक्टफुल डिसवरी वन इन्वॉल्व इन दिस क्योंकि ऐसे कॉमेंट्स लेजेंड जस्टिन के पोस्ट के नीचे किए गए हैं कि गो बैक टू सेलिना गोमेस रस्ते पे जस्टिन किसको मिला तो मीडिया वाले अभी भी सेलिना से रिलेटेड उसे सवाल पूछते हैं एंड सेम विथ सलीना उसे भी अग्रेसिवली मीडिया वाले फॉलो करते हैं देन अपसर्ड क्वेश्चन पूछते हैं जस्टिन के बारे में सो याद फॉर दिस वीडियो डो लेट मी नो कि जस्टिन का ये जो सुवीनियर बाहर आया है इस पर आपका क्या कहना है एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलोर्स इन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर कर और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू